दोस्तों भोजपुरी नाव को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर न्यूज सबसे पहले। दोस्तों भोजपुरी नाव में आप सभी का स्वागत है। 6 दिसंबर को सिंगापुर में इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सितारे शामिल हुए, लेकिन आपके सुपरस्टार खेसारी लाल को शामिल नहीं किया गया। आखिर क्यों? खेसारी लाल ने पिछले साल से लेकर अब तक एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिसमें सबसे बड़ी हिट फिल्म है संघर्ष, जिसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया। लेकिन इतना सक्सेसफुल फिल्म होने के बाद भी संघर्ष को इफ्फा में शामिल नहीं किया गया। खेसारी लाल एक लौते ऐसे सुपरस्टार हैं, जिन्होंने साल में सबसे ज्यादा हिट गाने और फिल्में दी हैं। फिर भी अवार्ड शो में खेसारी लाल को शामिल नहीं करना एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये अवार्ड शो कुछ स्टारों ने अपने लिए करवाए हैं? इसका फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके बताइए कि खेसारी लाल को अवार्ड शो में शामिल नहीं करना सही है क्या गलत? भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी न्यूज।